नमस्ते YFM न्यूज। हम लोग ऋषिकेश में हैं और ऋषिकेश में एक खूबसूरत गुरुद्वारा में हम लोग ठहरे हुए थे। यहाँ के जो प्रबंधक हैं आपके, उनसे आपका हम लोग बात कराना चाहेंगे कि हाँ जी सर नमस्कार, हम लोग दिल्ली से आए हैं और आपके गुरुद्वारे में हम लोग ठहरे हैं 7 दिन और बहुत ही उत्तम व्यवस्था आपके यहाँ है। तो दर्शन सिंह जी, हम लोग चाहते हैं कि आप ज़रा बताएं कि आपके गुरुद्वारे के बारे में हमें। काशी, ये हमारा सौभाग्य है कि दूर दूर से आकर के संगत यहाँ पर रुकती है, विश्राम करती है। ये जो गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब ऋषिकेश है, ये श्री हेमकुंड साहिब जो उत्तराखंड राज्य में हिमालय की गोद में 15,200 फीट की ऊंचाई पर, समुद्र तल से ऊंचाई पर सुशोभित है और बहुत सारा सामान ये जो स्थल है बर्फ के नीचे ढका रहता है। बहुत थोड़े समय के लिए ये खुलता है और यात्रा के लिए तब उन दिनों में हज़ारों की संख्या में प्रतिदिन लोग उबड़ पड़ते हैं विश्व भर से। भारतवर्ष से जो आते ही हैं, बाहर के मुल्कों से भी लोग आते हैं और उन दिनों में जहाँ इसी गुरुद्वारा स्थल में हज़ारों की संख्या में प्रतिदिन लोग होते हुआ करते हैं और यह बहुत चहल पहल देखने की होती है। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट, जो कि ऊपर वो श्री हेमकुंड धाम के व्यवस्थाएं को देखता है, उसी ट्रस्ट की ओर से ये यहाँ पर स्थापित किया गया है। उत्तराखंड में श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के 7 गुरुद्वारा हैं, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, श्रीनगर में, जोशीमठ, गोविंद घाट, गोविंद धाम और श्री हेमकुंड साहिब। इन सभी गुरुद्वारों के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, राशन की जो सप्लाई है और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं, सैनिटरी फिटिंग्स वगैरह है, सभी का की व्यवस्था यहाँ से करके इन गुरुद्वारों में भेजी जाती है और ये ट्रस्ट जो है इन सभी व्यवस्थाओं की व्यवस्थाओं का प्रबंध करता है। और ये भी बताना चाहूँगा कि इन सभी गुरुद्वारों में हज़ारों संगतों के प्रतिदिन रुकने के लिए व्यवस्था है और जहाँ पर कमरे भी निःशुल्क दिए जाते हैं, रेंट फ्री, और भोजन की व्यवस्था सभी जगह है और भोजन राउंड दी क्लॉक, राउंड दी ईयर चलता है। दिन रात, रात्रि में आधी रात को भी आए, आप 2 बजे आए, 3 बजे आए, रात को भी, तब भी भोजन की व्यवस्था यहाँ पर होती है और वो भोजन की व्यवस्था भी निःशुल्क है। इसके अलावा गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट की ओर से साल 1976 से इसी गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब ऋषिकेश में एक गुरमत संगीत बाल विद्यालय का की व्यवस्था की गई है और इसमें सैकड़ों विद्यार्थी आए साल शिक्षा प्राप्त करके बाहर जाते हैं और यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके विद्यार्थी विश्व भर में, सभी मुल्कों में, करीब सभी मुल्कों में वो सेवा करके अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। बहुत अच्छा, ऊंचा और रिस्पेक्टफुल उनका लाइफ है। और मैं ये भी बताने के से संकोच नहीं करूँगा कि ये यहाँ पर जो विद्यार्थी आते हैं, जो आसपास के गांवों के काफ़ी जो गरीब परिवार हैं जी, उनके जहाँ जिनमें शिक्षा का अभाव है, वो बच्चे यहाँ पर आते हैं और ये बच्चे यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके बहुत अच्छा जीवन बसर करने में सफल हो रहे हैं। और ट्रस्ट की ओर से ये जो उनकी पढ़ाई की व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था है, इसके लिए ना तो कोई एडमिशन फी ली जाती है, ना कोई ट्यूशन फी है, ना कोई उनकी वर्दी का खर्चा है, ना किताबों का खर्चा, ना स्टेशनरी का खर्चा, ना भोजन का खर्चा, ना दवाई का, डॉक्टर की डॉक्टरी सहायता का खर्चा, कोई खर्चा
नहीं लिया जाता, ये सारा खर्चा ट्रस्ट की ओर से बेर किया जाता है और वो अपना जीवन बसर करने के लिए, अच्छा जीवन बसर करने के लिए सक्षम बन के यहाँ पे जाते हैं। और ये जो श्री हेमकुंड साहिब का स्थान है, ये दसम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी से संबंधित है। उन्होंने अपने पूर्वले जन्म ने यहाँ पर इस स्थान पर बैठ करके प्रभु की, अकाल पुरुष की बहुत लंबा समय तक आराधना की थी, तप किया था। ये जो यात्रा चलती है ये जून से शुरू होकर अक्टूबर महीने तक माह तक चलती है। इस समय में लाखों ही यात्री आए साल श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन करके गुरु घर की खुशियां प्राप्त करते हैं जी। हमें लगता है कि हजारों लोग उसमें रोज आते होंगे और उस दौरान आप लोग की व्यवस्था देखने लायक होती होगी। हाँ जी हाँ, ये हमें भी बहुत आनंद मिलता है उनको सेवा में उपस्थित रहकर। यहाँ पर दिन रात लोग आते रहते हैं, निकलते रहते हैं और बहुत लोग विश्राम करते हैं यहाँ पर, और उनके लिए 2-2:30 बजे से लंगर में खूब रात के 2 बजे जी जी दिन रात लंगर चलते हैं, दिन रात वो यहाँ पर यात्री आते हैं और वो भी बहुत खुशी महसूस करते हैं। रस की ओर के से सब अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं और मैं समझता हूँ कि यात्रियों के लिए उनके, जब वो पीछे से बहुत लंबा सफ़र तय करके आए होते हैं, विदेशों से आए होते हैं, वो भी कई दिन के सफ़र में रहते हैं, यहाँ पर आके अच्छा विश्राम करने के लिए उन्होंने उनको साफ़ सुथरे बिस्तर, साफ़ सुथरे कमरे और प्रेम से परोसा गया भोजन मिलता है इसमें वो बहुत तृप्ति महसूस करते हैं। हमें भी इससे बहुत खुशी आनंद मिलता है। ऋषिकेश में इतनी खूबसूरत व्यवस्था, हमारे दो दर्शक इसको देख रहे हैं वो इसको एहसास कर सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं। दर्शन सिंह जी, इसका जो है आपको जो आप कुछ कहना चाहेंगे ये भारत के लोगों को और विदेशी लोगों को जो आपके इस लाइफ को देख रहे हैं? देखिए, ये एक धार्मिक स्थल है, यहाँ पर गुरु नानक की ओर से जो प्रथा चलाई गई है लंगर की, या गुरु घर के लिए चारों दिशाओं से आने वाले लोग, गरीब अमीर बड़ा छोटा, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता और सभी के लिए, ये मैं ये भी कहना चाहूँगा, ये मैं पहले कह नहीं पाया कि ये नहीं कि श्री हेमकुंड साहिब जाने वाले यात्रियों के लिए ही यहाँ पर सुविधाएं हैं, जो चार धाम यात्रा के लिए यात्री आते हैं उनके लिए भी ये सुविधा निःशुल्क दी जाती है और बराबर दी जाती है। मैं सबसे अनुरोध करूँगा, सबसे ये निवेदन करूँगा कि यहाँ पर आके हमें सहयोग दें और हमारा सहयोग प्राप्त करें। ये जो सुविधाएं हैं ट्रस्ट की ओर से संगत के सहयोग से ही चल रही है, जो संगत यहाँ पर डोनेशन देके जाती है उसके लिए हम उनके धन्यवादी भी हैं, आभार व्यक्त करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि हमें और गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट को संगतों की ओर से हमेशा ही ये सहयोग मिलता रहेगा। धन्यवाद आपका। आप अभी जो इस ट्रस्ट के प्रबंधक से बात कर रहे थे, आपने देखा कि इन्होंने कितने भाव से पूरे भारतवासियों को एक समान एक सूत्र में बांधने का जो भाईचारा होता है वो आप इस गुरुद्वारा में देख सकते हैं। यहाँ ना किसी धर्म, ना जात, ना अमीर ना गरीब, किसी भी कोई भेदभाव नहीं होता है और जो पहले आओ और पहले पाओ वाला नियम के अनुसार उनका सेवा भाव किया जाता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।